महापालिका बदनाम झाली होती, भ्रष्टाचाराने बरबडलेली महापालिका, फेरीवाल्याने भरलेली महापालिका, अनधिकृत बांधकामाची महापालिका, अशा प्रकारचे महापालिका बदनाम झालेली आहे। महापालिकेला आम्ही बदनाम होऊ देणार नाही। स्वच्छतेमध्ये जर महापालिकेचा तिसरा क्रमांक लागला असेल तर पारदर्शकतेमध्ये महापालिकेचा पहिला क्रमांक लागावा, यासाठी तुम्ही सगळ्यांनी प्रयत्न करा। आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून तुमच्या पाठीमागे आहोत असं आम्ही स्पष्टपणे सांगितलं। सरनाइक साहब, आप जो कह रहे हैं, जो जिस तरीके से मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अधिकारियों का सिंडिकेट बैठा हुआ है पदों पर, वो हटाए बिना संभव है क्या? क्यों नहीं संभव? बदले करिए बिना उनके। देखिए, हमने आज तय किया है, हमने आज शुरुआत की है। एक 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 देखो, एक दिन में तो सब नहीं होता है, मगर धीरे धीरे एक एक चीज हम लोग उसके पीछे लगेंगे तो जरूर कम होगा। धीरे एकदम खत्म नहीं होगा, मगर कम करने की हम कोशिश करेंगे। और आज उसका पहला दिन। सर, मेरा सवाल है, एक मिनट सर, मेरा सवाल है, नरेंद्र मेहता ने कहा कि मीरा भाईंदर से शिवसेना को जड़ से खत्म कर देंगे। दोनों डर गए, वोट डर गए, इसलिए तो आज मीटिंग बुलाया। अरे शिवसेना उनके बाप की खेती है क्या? ऐसा कैसे खत्म हो जाएगा? क्या है ये, एक बात मैं बोलता हूँ। और दूसरा इसके साथ एक ही सवाल है कि शिवसेना ने मेरे साथ विश्वासघात किया, ये दो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। पहली बात विश्वासघात से शुरुआत कर रहे हैं। पहला ऐसा है कि आपको भी, आप सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र जी ने, मेहता जी ने ही कहा था, जिस वक्त बाला साहब ठाकरे कला दालन का विषय था, हमारे कुछ नगर सेवकों ने यहाँ पे तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी, ऐसा पुलिस का कहना है। शिवसेना से युति नहीं करनी है, भाजपा का शिवसेना खाती है, ऐसा उन्होंने संस्कार, हाँ वो बोला था। और साथ ही में हमारे नेता माननीय श्री उद्धव साहब ठाकरे जी, उनका संस्कार भी उन्होंने निकाला था। उसके बाद में भी हमने शांति से आपके सामने ये कहा था कि युति जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे है, राज्य के स्तर पे है। युति हमारे पार्टी में ले करना या नहीं करना, इसका अंतिम अधिकार खाली उद्धव साहब ने, हमारे पार्टी में किसी को अधिकार नहीं दिया, ना ही प्रताप सर ने, ना ही राजेंद्र सर को, ना ही प्रबंधन मंत्र, ना ही प्रभु। तो हमने यही कहा था कि जो निर्णय राज्य स्तर के नेता और देश स्तर के नेता लेंगे, वो निर्णय हमें बंधन कर। उसके बाद में हमने उनके जो भाजपा के युति हो गई और इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया, तो मैंने उनके जो भाजपा के हेमंत भाकरे जी हैं उनसे कहा, नेता जी ने मेरा फोन नहीं उठाया था दो तीन बार समय के बाद। तो फिर उन्होंने एक मीटिंग लगाई और मीटिंग में यही बोला कि नेता जी के जो मैदान है वहाँ पे स्कूल के मैदान में किया जाए। और वो मीटिंग में मैं था, हमारे खासदार साहब थे, वापिस भाजपा के भी बड़े बड़े नेता थे, और हमने युति की वहाँ पे घोषणा करके काम चालू किया। कुछ हमारे नगर सेवक जो थे, उन्होंने एक बात है कि गलती उन्होंने क्यों की है, वैयक्तिक उनका और नेताजी का कुछ प्रॉपर्टी और बाकी दूसरे चीज़ों की वजह से उनका झगड़ा था, वो नहीं कर रहे थे काम। फिर भी हमने उनको बोला कि अगर आपको उनका काम करना है तो आपको पक्षशिस्त का पालन करना होगा। आपको अगर करना है उनका काम, दूसरे किसी पार्टी के नेताओं का, आपको रिजाइन देना पड़ेगा। जो भी नेता साहब को वोट्स मिले हैं वो पूरे के पूरे वोट ही शिवसेना के हैं। सिर्फ उनको वोट किसने नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नगर सेवकों ने नहीं दिए, उनके नगर सेवक, कार्यकर्ता और अगर मतदाताओं ने उनको वोट नहीं दिया तो वो हमारे ऊपर अगर झेलता, हमारे ऊपर आरोप करना, आप भी बोलो, आप भी मानेंगे क्या? हमारे लोगों ने 24-24 घंटा जाग के काम किया। बेचारे साहब, आज मीरा भाईंदर के आयुक्त से लेकर के सभी अधिकारियों ने आपकी आक्रामकता दिखी, क्या वजह इतने आक्रामक होने की? 35 साल दिल्ली के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 4 बार पार्षद था, बाद में विधायक था, इंजीनियर था, लेकिन यहाँ के जैसा कारोबार कहाँ पे भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि 3 शहरों में मैं काम करता हूँ। 3 शहर से मैं सुनता है, एक नई मुंबई शहर है, मीरा भाईंदर शहर है और थाने शहर। लेकिन जिस तरीके से जो यहाँ पे चालू है वो गलत है, इसलिए हम लोग उनको अभी जो अभी इसके बाद ऐसा कुछ होएगा नहीं, ऐसा हमको आश्वस्त। जो विकास काम हुए मीरा भाईंदर में और जो 23% की बात जो पहले बार दौर से शुरू है,
तो क्या अभी वो 23% की जांच और विकास कार्य में जो घटिया निर्माण हुआ है उसके बारे में स्टैंड क्या है आप लोगों का? ए शांत सर, क्या वजह है? हर चीज की गलती होगी, अगर 23% हो, 300 रुपया फुट हो, या जो चीजें कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने की, ये फेरी वाला धोरण, जो फेरी वाले रास्ते में बैठ के उनके पास जो वसूली है, हर चीज की वसूली होगी। अगर गुना किया है तो भुगतना भी पड़ेगा। और दूसरा बात बोलते हैं, ये जो जो गुना जिन्होंने किया ना, हम लोग उनको जेल में डाले बगैर बाहर नहीं, चुप नहीं बैठेंगे। सर लोकसभा सर नायक साहब, इस मैसेज में क्या लिखा है सर? दूर से नजर नहीं आ रहा, क्या लिखा है मैसेज? सर एक बार जरा बोल दीजिए। नरेंद्र मेहता जी ने परसों उनके स्टेटमेंट के बाद जैसे ही सोशल मीडिया में हमारे कार्यकर्ताओं में मैं उनकी जो भाषण थी, उनका जो स्पीच था, वो जैसे फैल गया, वैसे ही उसी दिन रात को उन्होंने सॉरी आई वॉज इमोशनल ऐसा मैसेज मुझे फॉरवर्ड कर दिया। और वो मैसेज देने के बाद में मैंने कुछ उनको रिप्लाई नहीं दिया। फिर कल रात को 11:15 के आसपास उनका मुझे फ़ोन भी आया, दो बार उनका मिस कॉल आया। फिर मैंने उनको फ़ोन किया। उस दौरान पिछले एक महीने से उन्होंने मेरे से बात भी नहीं किया था। मैंने जो फ़ोन किया था इलेक्शन के बाद में, जो कि प्रोटोकॉल होता है, हर जीत तो इलेक्शन में और राजनीति में होती रहती है, मैंने उनको फ़ोन किया था, मगर मेरा फ़ोन भी उन्होंने उठाया। तो कल उन्होंने मुझसे कहा कि सरनाई साहब, जो भी हो गया वो गलती हो गई, थोड़ा ये होता है। मैंने भी उनको कहा साहब, गलती होती है, मगर आप गलतियाँ ही इतनी बड़ी बड़ी करती है कि फिर बाद में मेरे बोलने से, मेरे समझाने से भी मेरे कार्यकर्ता नहीं समझते। मैंने उनको बोला, वो बोला ठीक है, गलती हो गया। मैंने उनको बोला कि राजनीति में उठा और चढ़ाव आता है, जो आदमी का भी कुछ भी कभी भी हो सकता है। शायद वो और 5 साल में अच्छा काम करेंगे तो शायद इस मीरा भाईंदर की जनता को दूसरा नरेंद्र मेहता देखने में भी मिल सकता है। उन्होंने वैसा कि विधानसभा क्षेत्र में नोटा का उपयोग ज़्यादा हुआ है? सभा क्षेत्र में 6,000 नोटा का उपयोग हो गया, ये भी बात है। एक कैंडिडेट था कोई तो भी, और उसको बैठ का ये था, उसको 3,000 वोट दिया।